काफी उम्मीदों के साथ मैंने ये मूवी देखनी शुरू की थी, लेकिन उन उम्मीदों पर ये मूवी खरी नहीं उतरी। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा साउथ कोरिया की एक मूवी है ए कंपनी मैन, उस मूवी के बारे में जो 2012 के अंदर आई थी। अब इस मूवी के बारे में यार ना तो मुझे इसके डायरेक्टर पूछना, राइटर पूछना, ना ही इसके कास्ट के बारे में पूछना, क्योंकि मैंने नाम जो है इनके प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम खराब करने के बाद मैंने सोचा भाई साहब इसको स्किप करते हैं। और ये मूवी तकरीबन 1 घंटा 36 मिनट इसकी जो लेंथ है। अब इस मूवी की कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्टोरी पर जाने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अब जब आप इसकी स्टोरी बता रहा हूँगा तो आपको ऐसा फील आएगा कि यार ये स्टोरी मैंने सुन रखी है, इस स्टोरी के ऊपर ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी मूवीज भी देख चुका हूँ, तो ऐसा फील आएगा। ऑब्वियसली ये जब मैं मूवी देख रहा था तो मेरे अंदर भी ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे थॉट्स आ रहे थे। खैर छोड़ो कहानी पर आते हैं। एक जी ह्योंग दो नाम का एक व्यक्ति होता है, एक जो एक प्रोफेशनल कातिल होते हैं, उसकी वो एक कंपनी में काम करता है जहाँ पर सारे प्रोफेशनल कातिल काम करते हैं, और ये अव्वल दर्जे का कातिल है, मतलब अव्वल दर्जे का प्रोफेशनल कातिल है। एक दिन इसको एक लड़के के साथ जो नया नया रिक्रूट हुआ है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो नया नया रिक्रूट हुआ है वो इसके साथ मिशन पे जाते हैं। और जब ये जो नया बच्चा है ये जो 20 साल का ही होता है, जैसे मिशन पूरा कंप्लीट करता है तो एक इंसिडेंट होता है जिसमें ये जो नया रिक्रूटमेंट है, जो नया रिक्रूटर है, जो भी है ये बच्चा, अपनी जो एक बात बताता है, एक बात पूरी करने के लिए या फिर कहूँ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहता है जी ह्योंग दो को, एक ही नाम याद हुआ, कि मेरी ये एक इच्छा है इसको कंप्लीट कर दूं। तो जी ह्योंग दो उसकी बात मानकर जब वो इसकी इच्छा पूरी करता है तो अब इसकी मां से मिलता है, इस लड़की की मां से मिलता है। तो जो इसकी माँ है जी होंग दो, इसको बचपन से जानता था लेकिन अभी नहीं पहचानता, तब उसको बताती है कि मैं बचपन से मतलब कि टीनेजर जब ये तो काफ़ी ज़्यादा उम्र के, जब ये टीनेजर से जानता है, क्योंकि टीनेज में जो इसकी माँ, नया रिक्रूटमेंट जो था एक बच्चा था जिसकी माँ जो है वो जब टीनेजर थी तब ये एक अच्छा सिंगर थी, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिसके चलते इसको सिंगिंग छोड़नी पड़ी। लेकिन जी होंग दो उस वक्त टीनेज टाइम में अब इसको बहुत ज़्यादा सुनता था, और जैसे ही इसको पता चलता है इसको इससे प्यार हो जाता है, और जहाँ पर भाई साहब प्यार आता है समझ लोग चीजें खराब हो जाती हैं, कत्लेआम शुरू हो जाते हैं, अपना काम काम नहीं लगता, बस एक बंधन लगने लग जाता है, और सेम टू सेम जी होंग दो के साथ होता है। अब जी होंग दो सोचता है कि यार क्यों ना मैं इस कंपनी को छोड़ दूं और एक नई लाइफ जो मैं शुरू करूं, क्यों ये कत्ल कर रहा हूं ये सारी चीजें, लेकिन भाई साहब इतना आसान थोड़ा होता है। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को यह कहानी सुनकर जॉन विक की याद आ गई होगी कि जॉन विक के अंदर भी तो यार कुछ ऐसा ही सीन था, उसके अंदर भी प्यार वाला, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग था। लेकिन इसमें जब आप मूवी देखोगे ना तो डेफिनेटली आप लोगों को जॉन विक की याद आ जाएगी, क्योंकि जैसे इसमें सूट बूट पहन के कंपनी के थ्रू वो प्रोफेशनल कातिल हो, सेम टू सेम ऐसा कॉन्सेप्ट और सेम टू सेम जॉन विक के अंदर मुझे लगा, ऐसा फील मुझे हुआ। बाकी की अगर आप लोगों को स्टोरी जाननी है तो देखो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, देखो इस मूवी में अच्छा क्या लगा और बुरा क्या लगा। अच्छा तो मुझे क्या लगा, खैर बुरे की बात कर लेते हैं। अब बुरे में मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ कमी जो मुझे इसमें लगी, इसकी कहानी के अंदर लगी, उतना मुझे मतलब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया। स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट क्रिएट कर लेती है लेकिन लास्ट में या फिर कहूँ हाफ के बाद इसका इंटरेस्ट खो जाता है। और फिर इसके बाद आते हैं इसके फाइटिंग सीक्वेंस। यार फाइटिंग सीक्वेंस जो थे वो फिजिकली मतलब हाथों से लड़ रहे थे तो वो थोड़े बहुत सही थे, लेकिन अगर वो गन से फाइट कर रहे थे, गन चला रहे थे, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लगा यार मुझे, क्योंकि इतना क्या छोड़ो उसमें बिल्कुल भी नहीं लगा। एक फेक सी, एक चीप सी मुझे फीलिंग आ रही थी। और जहां पर आप लोगों ने जॉन विक मूवी अगर देख रखी होती है तो यार जब आप वो ऐसी इस टाइप की मूवी देखते हैं और फिर ऐसी वीक सा थोड़ा सा या चीप सा कंटेंट देखते हैं या फिर कहूँ चीप सी ऐसी फीलिंग आने लग जाती है इस प्रकार की मूवी देखने से। कुल मिलाकर कहूँ तो ये मूवी आप लोग एक बार से ज़्यादा नहीं देखना प्रेफर करोगे। कहानी भी एवरेज है, फाइटिंग सीक्वेंस ठीक ठाक ही है, गन फाइट को छोड़ के हाथों से लड़ने वाली चीज़ें हैं। हाँ लास्ट में थोड़ी बहुत ये इमोशनल कर देती है, लेकिन थोड़ी बहुत ही करती है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 5 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। और आप सोचोगे क्या हिंदी मिलेगी, नहीं भाई साहब ये हिंदी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये हिंदी छोड़ो यार इंग्लिश में भी डब नहीं मिलेगी, आपको इसके सबटाइटल के साथ काम चलाना पड़ेगा। हाँ अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में पसंद आ गई तो बेशक आप इसके साथ काम चला लोगे, जैसे मेरे साथ हुआ था, जैसे खैर आप भी वीडियो लेंथ ही नहीं करते। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।